हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो ले आया हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक और मैं एक नया क्विज लाया हूँ और आज मैंने किसी और को भी इनवाइट किया है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्विज, कौन बनेगा जीके मास्टर। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने इनवाइट किया है मेरी क्या कहते हैं सताक्षी शर्मा को। फ्रेंड्स, वो कई सारे अवार्ड जीत चुकी है, चेस में भी उनने जीता है और डिबेट में भी जीता है। वो हमेशा फर्स्ट ही आती है वैसे भी, और कई सारी ट्रॉफियां वो जीत चुकी हैं। तो आज मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आज मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलिए सताक्षी शर्मा, ऑन कर लीजिए अपना कैमरा। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हियर इज सताक्षी शर्मा। ये है सताक्षी शर्मा जो कि आज हमारा क्विज करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे हम अपना क्विज करवाएंगे और देखते हैं जवाब दे पाती है सारे क्वेश्चनों का कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है मेरा भाई जो कि अपूर्व, जो कि आपने कई सारी वीडियोस में देखा ही होगा, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो बीच में आता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो अपना नाम बता दीजिए। अरे मेरी आईडी पे लिखा तो हुआ है। यस हाँ, सताक्षी शर्मा। तो बता दीजिए आपने कितने अवार्ड जीते। अरे वो मैंने इतने जीते मुझे याद नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया आपने। तो चलिए अब हमें इन्हें अपनी स्लाइड दिखाते हैं जो कि मैंने बनाई है। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? आ रही है। ओके, तो एक मिनट, फर्स्ट मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। कैमरा ऑन। आगे स्लाइड आ गई। ठीक है, एक मिनट इसे हटा। तो ये है हमारी स्लाइड, एक मिनट। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कौन बनेगा जीके मास्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आई एम मैमल बट आई कैन ले एग्स, माई माउथ इज लाइक अ डक बीक। यानी कि मैं एक मैमल हूँ लेकिन एग ले कर सकता हूँ, यानी कि एक मैमल जो कि अंडे दे सकता है और उसका जो मुंह होता है वो है डक की बीक की तरह। तो बताइए सताक्षी शर्मा, इसका आंसर क्या है? सताक्षी शर्मा, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। सो टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज, लेट मी रिमेम्बर, क्या आप मुझे हिंट दे सकते हैं? हियर इज अ हिंट, you can fly. Yes, the answer is correct. You have also two lifelines. The first is flip the question, the second is show the answer. See, the answer, no, no, see, the not the, see the answer. But so you have showed me the answer. Because you tell me the answer. So next question is here. It looks like a camel but it has no hump. मतलब लामा एक कैमल की तरह लगता है लेकिन उसके जो ऊपर हम्प होता है ना, जिसमें वो वाटर और खाना स्टोर कर सकता है, वो नहीं होता। लामा नहीं, क्या कहते हैं उसे, लेमा ही कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेलिंग, फोर वर्ड है उसके नेम में। आई नीड स्पेलिंग एंड नेम। ओह ओह, लास्ट एंड सेकंड वर्ड इज ए। Tell me the answer. अरे लामा। Yes, the answer is sure llama. Okay. Next question is where is Big Ben? यानी कि Big Ben London. Sure? I know it. Sure? Yes, I am sure. Yes, this is correct. So Sataksi Sharma, if you know any facts, so you can tell our friends. I will tell in next question. Okay. Who is known as Azad? Who is our known freedom, as our freedom fighter Chandrasekhar Azad? Okay. Are you sure?
यस आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये इंडिया के क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स है. दिस इज वन ऑफ द इंडिया फ्रीडम फाइटर. ये इन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है. एंड सत्यम, डू यू रिमेम्बर वन थिंग अबाउट दिस फोटो? नो, व्हाट यू व्हाट यू वांट टू टेल? वी टुगेदर मेड अ पोर्ट्रेट फोटो ऑफ चंद्रशेखर आजाद. करेंसी नेम ऑफ जापान, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स करेंसी का नाम क्या है जापान की? वन मिनट आई हैव लर्न्ड ऑल द करेंसी. येन, येन. आर यू श्योर? YEN, येन. आर यू श्योर? वेट ए वन मिनट, लेट मी चेक. You cannot open the book. I am not opening any book. Okay. You don't need to angry. This is not in my syllabus. My syllabus is too high. Okay. I know you are in 9th class. This is Appu's level question. And I am sure that the answer is yen. Sona Didi, tell the answer please. Yen. Our friends are waiting. You are arguing. What? The answer is yen. Okay. The answer is yen. This is correctly. So, who made robot? मतलब कि robot किसने बनाया? Thomson Devil. Are you sure? Thomas Devil. Are you sure? Tell me. Yes. So, what is the answer? Thomas Devil. George Devil. This is wrong. But the surname is true. But I need a total correctly answer. So you. I don't care. What do you need? Sona Didi. Okay, moving to next question. Which machine is used to measure speed of vehicle? मतलब कि क्या कहते हैं वाहन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रिक्शा विक्शा, उसे हम कैसे मतलब उसकी स्पीड को हम कैसे नापते हैं, किस मशीन से नापते हैं? रिक्शा तो होता है, विक्शा क्या होता है? रिक्शा. You just said रिक्शा विक्शा. Tell me the answer please. The answer is speedometer. Okay, correct answer. Sona Didi, if you know any facts, so you can tell our friends. Speedometer? No. And speedometer Okay, wait 1 minute. Speedometer is used to calculate the speed and the distance is calculated by odometer. Okay, this is a good fact. And if you know about a fact about Paris Tower. Sorry, Eiffel Tower. So you can tell our friends. I will tell in next question. Wait a minute. Who made steam engine? Steam engine. मतलब कि steam engine किसने बनाया? I want my lifeline. Flip the question. Flip the question. Okay. So first I tell you answer. The answer is James Watt. Okay, friend. Okay. So next is who made mobile? कोई लिफ्ट मेरी कोई बच्ची है क्या? Yes, you have a lifeline, a hint. Okay, give me a hint. Okay. The hint Martin is Cooper. The hint Martin is Cooper. Martin Cooper. I don't want any hint. Martin Cooper. But you use hint, so your lifeline is over now. Okay. Martin Cooper. Next, who made telescope? Galileo. Okay, you don't tell me the surname, but this is okay. You correctly answered. In higher classes, it is only Galileo. Okay. What is the dance of Uttar Pradesh? This is last question. I am from Uttar Pradesh, so I know it very well. The answer is Kathak. Okay, this is correct. So,
टेल मी अबाउट यू कैन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट अबाउट एफिल टावर सो यू कैन टेल हेलो 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 यू कैन टेल अ फैक्ट अबाउट एफिल टावर एफिल टावर यस एफिल टावर गैलीलियो जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या डिस्कवर किया था टेलीस्कोप तो उसने एक वहां से क्या कहते हैं हम कह सकते हैं लॉ थ्योरम थ्योरम कह सकते हैं थ्योरम दिया था कि अगर हम एफिल टावर या कहीं भी हाईएस्ट पॉइंट से दो चीजों को नीचे फेंकेंगे चाहे वो कैसी भी हो वो गिरेंगी जमीन पर सेमी पॉइंट पे सेमी टाइम मतलब एक साथ फेंकने का या फिर अलग अलग एक साथ अच्छा अच्छा एक साथ चाहे वो हल्की हो या फिर भारी मतलब चाहे 10 किलो या फिर 1 किलो ओ दिस इज गुड फैक्ट सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड आई आस्क अ रिडल ओके द रिडल इज आई हैव अ माउथ मेरा एक मेरा मुंह है पर मैं बोल नहीं सकता आई कैन नॉट स्पीक आई हैव लेग्स मेरा पैर है बट आई कैन नॉट वॉक मैं चल नहीं सकता एंड आई हैव ऑल्सो आईज मेरे पास आँख भी है बट आई कैन नॉट सी मैं देख नहीं सकते तो द आंसर इज डॉल बिकॉज डॉल हैज दीज थिंग्स बट ही she cannot do anything of these things okay friends so if you like the video so please Satyam. okay tell the viewers that we are going to call a new yes. member okay, to okay. our and she is my friend okay so at the next video we will call the Satakshi Sharma friend and you can also come but you want to you send in comment your name and your mobile number so I will also call you but first Satakshi Sharma friends okay so bye